फ्रेंड नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कलर की डिजाइन बनाना बताएंगे। डिजाइन बहुत ही प्यारी डिजाइन है। इसको जो है कोटिंग डालिए कार्डिगन कैप जीन्स स्वेटर आल प्रोजेक्ट में इसको आप अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसको मान लीजिए आप बॉर्डर इसको बना ली हैं। बॉर्डर बनाने के बाद फंदा बढ़ा लीजिए। फंदा बढ़ाने के बाद आप जो है पहली सिलाई यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला फंदा उतारा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा, एक दो, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, दो फंदा हमको ये पलट करके बुनना है। फर्स्ट फंदा पीछे से ले जाएंगे और सेकंड फंदा ऊपर से लाएंगे, और पलटने के बाद इसको जो है दोनों को सीधा बुन लेंगे, और फिर दो फंदे को ऐसे हमको पलटना है। सेकंड फंदे को पीछे से ले जाएंगे और फर्स्ट फंदे को ऊपर से लाएंगे। इसको ऐसे इसी में करके फिर दोनों को सीधा बुन देंगे। दोनों फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे। सीधा बुनने के बाद दो फंदा उल्टा। तो देखिए, छह मल्टीपल में फंदे बनाने हैं। एक दो फंदा तो एक्स्ट्रा हो गया, एक उल्टा, चार सीधा, एक उल्टा। यही जो है छह फंदा बार बार रिपीट करना है। छह फंदा बार बार रिपीट करना है, जिसमें से पहला फंदा उल्टा बुन लिए हैं और जैसे इसको पलट करके बनाए थे उसी तरह से ऐसे दो फंदा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। डिजाइन ऐसे दो फंदा ऐसे पलट करके सेकंड फंदे को ऊपर से लाएंगे और फर्स्ट फंदे को पीछे से ले जा करके दोनों की सीधी बुनाई कर देंगे। दो फंदा ऐसे पलटेंगे, सेकंड फंदे को पीछे से और फर्स्ट फंदे को ऊपर से, ऐसे ऊपर से ले जा करके, ऐसे ऊपर से ले जा करके इसको पीछे से ला करके दोनों की सीधी बुनाई कर देंगे। दो फंदा उल्टा, एक फंदा इस डिजाइन का और एक फंदा इस डिजाइन का। देखिए इस तरह से ऐसे पूरी सिलाई को पूरा करना है। आसानी के लिए हम ऐसे भी बुन सकते हैं। सेकंड फंदे को पहले बुन लेते हैं और उसके बाद इसको ऐसे उतार करके इसको भी सीधा बुन देंगे। देखिए, दो फंदा उल्टा। अब इस चारों फंदों को भी ऐसे पलट करके जैसे बुने हैं ऐसे बुन करके पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरी सिलाई, डिजाइन की दूसरी सिलाई जो जैसे दिख रहा है उसको ऐसे बनाएंगे। एक किनारे वाला उल्टा और ये डिजाइन की चार फंदा, ये भी उल्टा ही बुना जाएगा। अब देखिए, दो फंदा सीधा है, इधर जो है सीधे की तरफ उल्टा दो फंदा बनाए हैं, तो उल्टे की तरफ से ये दो फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, ऐसे उल्टे की तरफ से पूरी डिजाइन बनेगी। चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, किनारे का फंदा उल्टा। अब देखिए,
अब डिजाइन का जगह चेंज करना है, तीसरी सिलाई, डिजाइन की तीसरी सिलाई। एक फंदा उतारा और पहली सिलाई में यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बुने थे, अब की तीसरी सिलाई में हम यहाँ पर तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे को हमें पलट करके बुनना है। पहला फंदा पीछे से लिया और सेकंड फंदा जो है ऊपर से लाएंगे और दोनों को सीधा बुनेंगे। अब फिर देखिए इस दो फंदे को पलटना है, तो हम अगर ऐसे बुन लेते हैं तो हमको इस तरह से भी आसानी होगी। पहले सेकंड फंदे को पीछे से बुन लेते हैं, पीछे से बुनना है और उसके बाद फर्स्ट फंदे को बाद में बुनना है। देखिए तो चाहे हम उस तरह से बुने और चाहे हम फंदे को उतार करके बुने, बुनाई एक ही तरह से पड़ेगी। तो देखिए इसको हम फर्स्ट फंदे को बुन लेते हैं, हमको आसान पड़े तो इस तरह से बुने और नहीं तो फिर पलट करके बुने। देखिए आपको आसान पड़े तो इसी तरह से बना सकती हैं, हम दोनों तरह से बता रहे हैं, जो भी आपको आसान पड़े। देखिए ऐसे दो फंदा उतारिए, उसके बाद फर्स्ट फंद सेकंड फंदे को ऊपर से लाइए, दोनों को सीधा बुन दीजिए। देखिए दो फंदे को उतारिए, सेकंड फंदे को पीछे से, फर्स्ट फंदे को ऊपर से ला करके दोनों को सीधा बना दीजिए। दो फंदा उल्टा, देखिए किनारे पर हमारा धीरे धीरे यहाँ पर फंदा डिजाइन में कम पड़ता है, ऐसे पढ़ने दीजिए डिजाइन, ऐसे आप अपने जगह बना करके। देखिए यहाँ पर एक ही फंदा बच रहा है तो हम इसको सीधा बना लेते हैं, किनारे वाला बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह से डिजाइन का जगह चेंज करके ऐसे बनाते जाइए, यहाँ पर फंदा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आपको और बुन के दिखाते हैं। तो देखिए किनारे का फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा। तो देखिए अब की बार ये दो फंदा उल्टा रहेगा, एक फंदा इस डिजाइन में से, एक फंदा उल्टा। अब हमारे पास एक फंदा बच रहा है तो एक फंदे में हम डिजाइन नहीं बना पाएंगे। जब हमारे लिए यहाँ पर पर्याप्त दो फंदा यहाँ हो जाएगा, एक उल्टा इधर एक उल्टा इधर, तब हम यहाँ नई डिजाइन फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दो फंदा, पहले सिलाई में दो फंदा उल्टा बुने थे, उसके बाद सीधी डिजाइन में तीन फंदा उल्टा बुने थे, अब की बार हम यहाँ पर चार फंदा उल्टा बुनेंगे, चार फंदा। जब हमारे लिए यह डिजाइन बनाने के लिए यहाँ फंदा हो जाएगा तो यहाँ नई डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे बनाते हुए हम इसको पूरा कर लेते हैं। अब देखिए आगे किनारे का एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा हमको यहाँ उल्टा चाहिए, उल्टा बुन लिए हैं और एक फंदा अब की बार इसको उल्टा बुनेंगे और एक इसको उल्टा। तो यहाँ पर हमको हाफ डिजाइन बनाने के लिए फंदा, दो फंदा मिल गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे दोनों को पलट देंगे। ऐसे देखिए दो फंदा ऐसे पलटेंगे, इसको पीछे से ले जाएंगे और फर्स्ट फंदे को ऊपर से। जैसे यहाँ पर डिजाइन का ये पिछला हिस्सा बनता है उसी तरह से दो फंदे को ऐसे पलट करके बुनेंगे। देखिए ये दो फंदा बना दिए हैं, अब दो फंदा। तो देखिए अब इसको जैसे डिजाइन बनाते जाते हैं उसी तरह से डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए किनारे का फंदा उतारेंगे, एक फंदा यहाँ हमको उल्टा चाहिए, उल्टा बुन रहे हैं। अब
ये दो फंदा उल्टा रहेगा और तीन फंदा बच रहा हमारा, तो अभी हम एक फंदा ऐसे सीधा बुन लेते हैं केवल। और अभी जैसे डिजाइन के लास्ट वाले दो फंदे डिजाइन बनती है, तो उसी तरह से इसको हम पीछे वाले हिस्से वाला डिजाइन हाफ बना रहे हैं। तो पीछे से उसको लाएंगे और दोनों की सीधी बुनाई कर देंगे। एक फंदा हमारा यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, अगली बार जब आएंगे तो हमको यहाँ फुल डिजाइन बनाने के लिए चार फंदे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम डिजाइन बनाते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे, फिर अगली बार दिखाते हैं। तो देखिए किनारे का फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इसको ले करके हमें चार फंदा यहाँ मिल गया है। धीरे धीरे एक एक फंदा करके तिरछा होता है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ फुल डिजाइन बनाते हैं। इसके पहले हम दो फंदे बनाए थे, अब हमको पूरा फंदा मिल गया है, हम चार फंदे की डिजाइन बना रहे हैं। देखिए यहाँ चार फंदे की डिजाइन बन गई है। तो फ्रेंड देखिए यही जो है नया डिजाइन यहाँ से स्टार्ट करना था, तो इसको हम आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पहले दो फंदे बनाए हैं, लास्ट वाला दो फंदे वाला, फिर उसके बाद जब चार फंदा पर्याप्त हो गया है तो चार फंदे की डिजाइन बना दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अबकी बार यहाँ एक फंदा उल्टा है, अगली बार दो बार दो फंदा उल्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा करके रखे हैं। तो फ्रेंड देखिए ये डिजाइन बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो फ्रेंड देखिए अगर हमारा ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।